उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी घमासान वैसे वैसे रोचक होता जा रहा है। प्रदेश में सबसे कड़ा मुकाबला टिहरी लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। टिहरी लोकसभा में चकराता, देहरादून कैंट, मसूरी, रायपुर, राजपुर रोड, सहसपुर, विकासनगर, धनौल्टी, घनसाली, टिहरी, प्रतापनगर, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला विधानसभा आती है। भाजपा के लिए हमेशा से आसान रही इस सीट पर इस बार समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला अपनी चुनावी सभा में जनता से वोट मांगने के साथ ही इसे लोकशाही बनाम राजशाही की लड़ाई करार दे रहे हैं। लोगों का रुझान तो कुछ इस तरह का लग रहा है कि शुरू में तो ये सोचा जा रहा था कि शायद वह राजा महाराजा सत्ता कर ले पाएंगे, आम आदमी की नहीं ले पाएंगे, लेकिन अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि आपका आम जन का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ता जा रहा है, अलायंस की ओर बढ़ता जा रहा है। अलायंस ऐसा लग रहा है अब कि इंडिया अलायंस की जो है केंद्र में सरकार बनने जा रही है और उसका पहला तोहफा जो है नंबर एक सीट जो टिहरी संसदीय लोकसभा की है। उधर भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने विपक्ष के विरोध का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना। वो मानती हैं कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्हें जरूर वोट देंगी। देखिए, ऐसा है कि अपोजिशन को तो बोलने का काम ही है, हमेशा इलेक्शन टाइम में एक दूसरे को तो बोलते रहते हैं, उन लोगों का काम है बोलना। हम तो इसमें नहीं बोलते कि अगर नए काम किए होंगे तो इस बार भी हम तो टिकट फिर नहीं मिलता, कुछ किया काम किया ही होगा तभी तो टिकट मिला। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के चुनाव मैदान में उतरने से ये मुकाबला और भी रोचक बन गया है। बेरोजगार आंदोलन से युवाओं के बीच पैठ बना चुके बॉबी पवार जौनसार क्षेत्र से आते हैं। युवाओं और जौनसार के साथ ही यूकेडी से मिले समर्थन के बल पर वो राष्ट्रीय दलों के वोट बैंक में सेंधमारी का काम कर सकते हैं। यूकेडी वो पार्टी है जिन्होंने राज्य गठन के लिए लड़ाई लड़ी है और इसके अलावा और भी दल जो समर्थन दे रहे हैं, इसके अलावा वो सारी शक्तियां जो वास्तविक मुद्दों पर लड़ती है, जो प्रदेश के भीतर जिनके अंदर प्रदेश की चिंता है, तो वो सारी शक्तियां मिलकर हमें चुनाव लड़वा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से वो हमारे लिए सहयोग कर रही है, समर्थन कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूं कि मजबूती काफी मिली है। ठीक है, चुनाव प्रचार पूरी तरह गति पकड़ चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीट पर क्या कुछ नए समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आते हैं।